प्रतापगढ़ में राजा भैया की तूती बोलती है, लेकिन फिल्म स्टार संजय राउत ने एक बार राजा भैया का बड़ा अपमान कर दिया था। दरअसल अखबार में एक फोटो भी छपा था जिसे देखकर राजा भैया के समर्थकों में आक्रोश उठ गया था। इस फोटो में सफेद धोती और हल्का जामुनी रंग का कुर्ता पहनकर राजा भैया फिल्म अभिनेता संजय दत्त से मिलने गए थे। संजय दत्त ने मुलाकात के समय लाल कुर्ता और काली धोती पहनी थी। करीब आधे घंटे तक दोनों दिग्गजों में वार्तालाप हुई। सोफे के दाएं और संजू बाबा जबकि बाएं और पर राजा भैया बैठे थे। वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इस दरमियान संजय दत्त ने 3 मरतबा अपना दाया पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर रखा। ऐसा करने से उनकी चप्पल का निचला हिस्सा राजा भैया की मुंह की तरफ हो गया। तहजीब के मुताबिक ये असभ्यता है। दरअसल संजू बाबा से ये गलती अनजाने में हुई, लेकिन मुलाकात की फोटो वायरल होने के बाद राजा भैया के समर्थकों ने संजय दत्त की गलती को देख लिया। इसके बाद समर्थकों ने गलती के लिए माफी मांगने की मांग को बुलंद करते हुए मरने मारने का ऐलान कर दिया। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ वो अनजाने हुआ, लेकिन संजय दत्त को राजा भैया से मुलाकात के समय अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। कई लोगों ने तो यहां तक बोला कि फोटो में संजय दत्त का गुरूर झलक रहा है, जबकि राजा भैया के चेहरे पर सौम्यता कायम है। इसी को बड़प्पन कहते हैं। वैसे राजा भैया के तमाम समर्थकों के गुस्से की खबर लगते ही संजय दत्त के कैंप को गलती का एहसास हो गया। संजू कैंप ने गलती को अनजाने में हुई भूल के लिए माफी तक भी मांगी थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।